अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के पाकबड़ा स्थित बने कोविड-19 अस्पताल तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मानव अंग तस्करी के साथ ही सेक्स रैकेट चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही TMU के वाइस चांसलर सुरेश जैन का पुतला भी फूका है। देखिए क्या है पूरा मामला मेरी इस रिपोर्ट में। मुरादाबाद मंडल के इकलौते लेवल 3 कोविड-19 अस्पताल में एक के बाद एक 3 कोरोना संक्रमित मरीजों द्वारा अस्पताल से कूदकर आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय योगी सेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पर बाइक रैली निकाली और TMU गेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए यूनिवर्सिटी के चांसलर सुरेश जैन का पुतला फूंका। वहीं योगी सेना के प्रदर्शन को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने भी अस्पताल के सभी गेटों पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी, जिसके बाद राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदर्शनकारी सदस्य ने हाईवे पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। योगी सेना के अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने कहा कि मानव अंग की तस्करी या सेक्स रैकेट जैसे आरोपों में TMU का ही नाम क्यों आता है। ये हमारे पीछे TMU है, ये मौत का पूरा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आए दिन आत्महत्याएं होती हैं, सेक्स रैकेट यहाँ पे चलता है, मानव अंगों की तस्करी यहाँ पे होती है और ये अपने पैसों के बल पर हर चीज़ दबा देता है। जब तक सुरेश जैन जेल में नहीं जाएगा हम लोगों का आंदोलन बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। हम लोग CBI जांच की मांग करते हैं, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, हमारी सीधे सीधे मांगे इनके खिलाफ CBI जांच हो और ये लोग सीधे जेल जाएं जो दोषी हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया आज आप नेशनल हाईवे जाम कर रहे हैं जी, सरकार आपकी चल रही है? सरकार हमारी चल रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग इस वक्त TMU का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। TMU में जो गलत कृत्य हो रहे हैं इसके माध्यम से हम सरकार तक आवाज़ पहुँचाते हैं कि इनके खिलाफ घोर कड़ी कार्रवाई कर। इन लोगों के द्वारा कल सूचना दी गई थी कि ये लोग यहाँ पे अपना कुछ मांगे हैं, जो TMU में कुछ कह रहे हैं, इनके द्वारा कुछ मतलब जो मृत्यु हुई है, आत्महत्याएं हुई हैं, उनके जांच से संबंधित और कुछ विषयों को लेकर के इनकी शिकायत है। इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है हमें, इस ज्ञापन को हम उचित फोरम पर पहुँचाएंगे और जो भी इसमें जाँच हो रही है उस जाँच के लिए हमने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को साक्ष्य हो तो साक्ष्य के साथ हमारे सामने उपस्थित होकर अपना बयान भी दर्ज करा सकता है। और इनसे ज्ञापन ले लिया गया और शांतिपूर्वक जो है इनसे यहाँ से चले जाने के लिए अनुरोध किया गया है। ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं कि कितनी मौतें हो गई हैं, इसको मौत हम नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई इसके बारे में साक्ष्य उपस्थित ना हो। जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। नहीं बिल्कुल मैं नॉलेज मानी चाहिए, लेकिन इसको अब मृत्यु कोरोना से हो रही है, इसे आप लोगों को कहना है कि लापरवाही से हो रही है, ठीक है, तो उसके अलग अलग फिगर हैं, ठीक है, उसके बारे में मुझे मतलब पूरा संज्ञान नहीं कि यहाँ पे अभी तक कितनी लोगों की जान गई कोरोना से या कितनी जान वैसे गई है, किसी वजह से हार्ट अटैक से गई ऐसे गई है, इसके बारे में बहुत श्योर नहीं है। 3 जो मुझे संज्ञान में है कि 3 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं यहाँ पे और उसके लिए जांच कमेटियां गठित हैं मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। राजेश करी जो है भाजपा जो पार्षद है उनकी मौत भी हुई कल, CDO साहब ने कहा उसमें अफेयर दर्ज हुई है, ऐसा कोई अफेयर दर्ज हुई बताइए। जिला पंचायत की बैठक में उन्होंने खुद बोला है, इसके बारे में मेरे संज्ञान में प्रकरण नहीं है और अगर हुई होगी तो मैं दिखवा लूंगा। अभी मतलब फिलहाल मेरे संज्ञान में, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया मुझे 2-3 दिन हुआ है तो ये प्रकरण में संज्ञान में, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ आत्महत्याएँ या कुछ तरह चीज़ें हुई हैं उसकी जांच 3 कमेटियाँ बनी हुई हैं, एक की जांच SDM साहब की अध्यक्षता में हो रही है, एक की जांच सिटी मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके 3 कमेटियाँ हैं जो 3 अलग अलग मुद्दों की जाँच कर रही हैं और इनका ज्ञापन ले लिया गया है और ज्ञापन को उचित माध्यम से ऊपर पहुँचाया जाएगा और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपको बता दें कोविड-19 अस्पताल में 17 अगस्त को कविता नाम की महिला की 3री मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। 22 अगस्त को प्रथमा बैंक के मैनेजर राजेश शर्मा ने अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी और फिर 5 सितंबर को SSP मुरादाबाद कार्यालय में तैनात दिवाकर शर्मा ने 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे थे।